दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाके टैली प्राइम जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं किसी कंपनी में अकाउंटिंग वर्क के लिए, और किसी कारणवश अगर हम यूजर नेम या फिर पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, तो उसको हम रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे सामने ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन है और मैं इसका यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुका हूँ, लेकिन इस कंपनी में मेरा काफ़ी सारा अकाउंटिंग वर्क किया हुआ है, तो वो मुझको वापस लेके आना है। तो दोस्तों, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मैं लाइव और प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सभी कॉपी पेस्ट का काम है। तो कौन सी फाइल आपको कॉपी करनी है, किस तरीके से कॉपी करनी है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया तो हो सकता है आप प्रॉपर सही तरीके से पासवर्ड को रिकवर ना कर पाओ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नॉलेजेबल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को फुल प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम पूरे स्टेप को शुरुआत से हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक कंपनी क्रिएट करी है। सबसे पहले आपको पूरे स्टेप को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरे कंपनी का जो डाटा हो पिकअप हो रहा है वो सी ड्राइव में डाटा का नाम से फोल्डर है, और मैंने एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट की है स्मार्ट वन के नाम से। इस कंपनी का जो कोड क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिक क्रिएट करता है वो है 1 और 4 टाइम 0, और ये है मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक का, यानी कि 21-22 का पीरियड है ये। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे से यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, अगर हमने इस पर सिक्योरिटी कंट्रोल यस किया हुआ तो। अब मान लीजिए मैं इसका यूजर आईडी पासवर्ड जो भूल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को इसका याद है, मैंने 1 और पासवर्ड में भी मैंने 1 दिया था। तो आप देख रहे हो ये कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है और ये हमारे पास अभी तक हमने कोई इसमें एंट्री नहीं करी है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी कंपनी है जिसमें काफ़ी सारा रिकॉर्ड आपके पास है, सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ आपके पास है। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम 3 या 4 एंट्री हम इसमें कुछ करके देखते हैं। वाउचर पे हम जाएंगे, अब मान लीजिए हम रिसिप्ट वाउचर को यूज कर लेते हैं और लेज़र हम एक क्रिएट कर लेंगे नया। मान लीजिए हमने कोई भी राम के नाम से लेज़र क्रिएट कर लिया, ग्रुप हमने रख दिया उसका सैंडरी डेप्टर हम रख लेते हैं, कुछ भी ग्रुप आप रख लेना। एक ट्रांजेक्शन आपको मैं प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ आपको। मान लीजिए आपने ये ट्रांजेक्शन आप रियल बिजनेस की अकाउंटिंग आप कर रहे हो, या आप ये मान के चलो और मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये की एक ट्रांजेक्शन कर ली और ये डेट आप देख रहे हो 1 अप्रैल 2021 के, तो हम इसको डेट चेंज कर देते हैं, हम 1 नवंबर कर देते हैं इसको। डेट कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट का कोई इशू नहीं है। और उसके बाद मान ली हम 2 तारीख में भी एक एंट्री करते हैं आराम से 10,000 रुपये की और कैश, और उसके बाद मान लीजिए आपने 4/11 को वापस रीपेमेंट कर दी, पेमेंट आपने कर दी राम को 5,000 रुपये की। तो कुछ ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे भी हमने जो कंपनी में रिकवर किया है, पासवर्ड करेक्ट किया है, वो डाटा हमारे पास प्रॉपर सही तरीके से आता है या नहीं आता, एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो हमने 3 ट्रांजेक्शन इस कंपनी में कर लिया है। तो एक बार हम उस सभी ट्रांजेक्शन को ओपन करके देख लेते हैं। डे बुक पर हम जाएंगे और F2 के साथ हम पूरा पीरियड ओपन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 1 नवंबर 2 नवंबर और 4 नवंबर की डेट है, और 2 हमारे पास रिसिप्ट वाउचर है और 1 ये पेमेंट वाउचर है। तो हम अब इस कंपनी को हम कर देते हैं क्लोज और वापस हम ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद ये स्टार्टिंग में यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब मान लीजिए हम यूजर आईडी और पासवर्ड इसका भूल चुके हैं, कुछ भी नहीं पता, आप भूल चुके हो, रियल में आप भूल चुके हो, तो अब इसको हमें क्रैक करना है पासवर्ड को। तो आपको 3 बातें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात, आपने जो कंपनी क्रिएट करी है उसके डाटा का पाथ क्या है, तो यानी कि सी ड्राइव में वो डाटा का फोल्डर बना हुआ वहाँ से ये डाटा पिक हो रहा है, और आपकी कंपनी का जो नाम है वो स्मार्ट वन है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये कोड ध्यान में रखना है 1 4 10 0 और उसके बाद में ये फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक का। अब आपको इसका पासवर्ड रिकवर करना है। तो अब पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, एक कंपनी आप नई क्रिएट कर लेंगे। नई क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम मान लीजिए यहाँ पे हमने स्मार्ट 2 के नाम से एक कंपनी बना ली। ऑलरेडी जो पहली थी वो स्मार्ट 1 के नाम से थी और अब हम स्मार्ट 2 के नाम से कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। जितने फीचर्स आपने पहले वाली कंपनी में इनेबल कर रखी थी, जितना आपको याद है उतना आप सेम रख लीजिए। मान लीजिए आपको उसका एड्रेस सही तरीके से पता था, भी आपने स्मार्ट 1 की कंपनी में एड्रेस आपने क्या दिया, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्टेट मेरा राजस्थान दिया होता। अगर आपको प्रॉपर सही तरीके से नहीं पता तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर ये बिल्कुल सेम रखना है, ये आपको मस्ट ध्यान में रखना है। अगर फाइनेंशियल ईयर अगर आपने आगे पीछे का दे दिया तो ये क्रैक नहीं कर पाएगा। और जो नई कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आपको पासवर्ड नहीं देना है, यानी कि ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इसको नो ही रखना है। और बाकी एजीटी स्पीच को इंटरप्रेस करते हुए आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर आपने कोई फीचर्स को यस या नो कर रखा है, किसी टैक्सेशन डिटेल को यस नो कर रखा है, जितना आपको याद है उतना आप बिल्कुल सेम रख लीजिए। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हो हमारे पास स्मार्ट 2 की कंपनी ओपन हो गई है। अगर इसकी डाटा की हम बात करें तो दो कंपनी हमारे पास क्रिएट होगी, स्मार्ट 1 और स्मार्ट 2। जो पहली वाली कंपनी उसका 1 4 times 0 और स्मार्ट 2 का 1 3 times 0 फिर 1, यानी कि 10001 नंबर कोड। और फाइनेंशियल दोनों का बिल्कुल सेम है। स्मार्ट 2 को ओपन करेंगे तो इस पे पासवर्ड, यूजर ने पासवर्ड लगाया नहीं था, तो ये कंपनी सिंपल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद में आपको इस कंपनी में वाउचर की एंट्री करनी है, कुछ भी कर देना, चाहे पेमेंट कर दो, रिसिप्ट कर दो, जनरल कर दो, कुछ भी कर दो। आपको एंट्री हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं ABC के नाम से। अब मान लीजिए इसका ग्रुप हम कुछ भी दे देते हैं, सैलरी क्रेडिटर कर देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। और उसके बाद में कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब मान लीजिए हमने इनको 2 रुपये की एंट्री, आप कुछ भी कर दो, 1 रुपये की कर दो, 2 रुपये की कर दो, कुछ भी एंट्री करो, आपको ट्रांजेक्शन करनी है। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो हमारे पास, हमने 1 अप्रैल 2021 में करी है, डेट का कोई इशू नहीं है, कोई भी डेट हो सकती है, और आपको एक्सेप्ट करना है। और एक आपको ईयर एंड पे एंट्री जरूर करनी है, यानी कि 31 मार्च को। अब 31 मार्च में हम रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं ABC से और 1 रुपये की एंट्री कर लेते हैं, कैश को डेबिट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब वापस इस कंपनी के हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, डे बुक पे जाएंगे और ये देख लो अभी जो प्रेजेंट टाइम में कंपनी है ओपन है हमारे पास, वो है स्मार्ट 2 की, और 2 ट्रांजेक्शन, 1 पेमेंट की और 1 रिसिप्ट की। आपको बस इतना ही काम कर रहे हैं और उसके बाद में इस कंपनी को आपको कर देना है क्लोज। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो आपने बाद में कंपनी क्रिएट करी है उसका कोड आपको पता होना चाहिए। कंपनी क्लोज कर देंगे और उसके बाद में जहाँ पे आपका डाटा सेव हो रहा था उसके लोकेशन पर आपको पहुँच जाना है। जैसा कि हमारी कंपनी का जो डाटा है वो सी ड्राइव में और डाटा के फोल्डर में था, तो ये हमारी 2 कंपनी यहाँ पर आ चुकी है, 1 4 times 0 और 1 3 times 1 का। तो अब जो सेकंड कंपनी मैंने बाद में जो क्रिएट करी थी उसका डाटा हमारे पास ये बनेगा। तो इस डाटा को हम करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद में कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे नजर आएगी, और इस फाइल में से आपको यहाँ से कॉपी करना होगा company.900 को। ये फाइल आपको जरूर मिलेगी, ये आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग हो सकती है, 4KB 5KB 6KB की फाइल हो सकती है। तो इस कंपनी का ये जो फोल्डर बना है company.900 की जो फाइल बनी है इसको आपको कर लेना है कॉपी। इस पर हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे, और जो हमारी पुरानी कंपनी थी जिसका यूज़र नेम या पासवर्ड हम भूल गए थे उसके डाटा को ओपन कर लेंगे, और इसमें हम कर देंगे इसको पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद में क्योंकि ये जो डाटा इस कंपनी में के अंदर भी ऑलरेडी है ये फाइल, तो हम इसको कॉपी एंड रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारी जो 2 वाली कंपनी थी उसका company.900 की फाइल हमने पुरानी वाली कंपनी में पेस्ट कर दी है, इसको भी हम कर देंगे क्लोज। अब उसके बाद में टेली सॉफ्टवेयर को वापस ओपन करेंगे। तो जैसे हम कंपनी को वापस करेंगे तो हमारे सामने अब 2 कंपनी वापस हो जाएगी, और दोनों कंपनियों का नाम स्मार्ट 2 हो गया, जबकि हमारे पास 1 स्मार्ट 1 थी और 1 स्मार्ट 2 थी, क्योंकि हमने कंपनी का जो फाइल थी हमारे पास company.900 की उसको हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया था, उसमें को पेस्ट कर दिया था, तो कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। बट आपको यहाँ से कोड से पहचान लेना है, तो आपकी कंपनी का कोड था ये। तो अब आपको इस कंपनी को वापस जो हमारी थी
1400 की पुरानी वाली कंपनी, उसको ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हो ये कंपनी बगैर यूजर नेम और पासवर्ड के ओपन हो गई है। और अब इसके बाद हम उसको ट्रांजेक्शन देखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में जो 3 ट्रांजेक्शन करी थी वो हमारे पास ट्रांजेक्शन आई है या नहीं आई। डे बुक पर जाएंगे F2 के साथ, पीरियड हटा देंगे। तो ये देख रहे हो हमने जो स्मार्ट वन की कंपनी में ये 3 ट्रांजेक्शन हमने करी थी, और ये तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन हमारे पास अब रिकवर हो चुकी है। अगर आप चाहते हो अभी इस कंपनी का नाम आपको चेंज करना है, तो इसके लिए हम कंपनी पे जाएंगे, या फिर आप एल्ट के यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट, और एल्टर का ऑप्शन का आपको यूज़ करना होगा। बैक आएंगे हम, एल्टर का यूज़ करेंगे, और एल्टर पे आने के बाद जहाँ पे कंपनी 2 लिखा है उसको 1 कर देंगे। और उसके बाद में जो भी आपको एड्रेस वगैरह कोई मॉडिफाई करना है, स्टेट का, मोबाइल नंबर, कुछ भी, तो आप यहाँ से चेंज हम कर सकते हैं। तो अब ये स्मार्ट वन का नाम हो गया, वापस सेलेक्ट पे जाएंगे, तो आप देख रहे हो स्मार्ट वन का नाम वापस चेंज हो गया, और कंपनी का कोड है जो वो भी 1014 हो गया। एंटर प्रेस करेंगे तो बगैर यूज़र आईडी के ये नेम ओके और पासवर्ड के ओपन हो जाएगा, तो वो सारी ट्रांजेक्शन हमारे पास है जो वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे के जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।